हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। कैसे हैं जी सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और आज हमारे पास जो वीडियो है वो है जी कंपैरिजन। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप मुंबई और दुबई का जो है कंपैरिजन वीडियो लेकर आएँ, तो चले आज हम देखते हैं मुंबई वर्सेस दुबई। दुबई वर्सेस मुंबई, करें जी प्ले जी। मोस्ट अमेजिंग क्लिप। हेलो दोस्तों, आज अगर आपसे दुनिया के कुछ बेहतरीन सिटीज के बारे में पूछा जाए तो आपके दिमाग में मुंबई और दुबई का नाम जरूर आएगा। इसीलिए आज हम एक्सप्लोर और कंपेयर करेंगे दुनिया के दो शानदार शहरों को। भले ही ये दोनों सिटीज किसी भी देश की राजधानी नहीं है, लेकिन आज के दिन दुनिया की फेमस सिटीज की बात हो तो दुबई और मुंबई का नाम उस लिस्ट में जरूर शामिल होगा। फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बना चुकी ये दोनों सिटीज देश में ही नहीं पूरी दुनिया में काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। वैसे बहुत कम लोगों को ही पता है कि दुबई शहर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई नामक देश के 7 एमिरेट्स में से एक है, और अपने हाई राइज बिल्डिंग और लग्जरी लाइफ की वजह से दुबई का नाम इतना मशहूर हो चुका है कि यूएई देश से भी ज़्यादा दुनिया में लोग दुबई के नाम को जानते हैं। बिल्कुल। वहीं मुंबई को अपने बॉलीवुड की वजह से सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसा होगा इन दोनों सिटीज का कंपैरिजन। और सबसे पहले बात करते हैं दोनों सिटीज के एरिया की। तो यूएई के 7 एमिरेट्स में से एक दुबई का टोटल एरिया 4114 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। वहीं भारत के महाराष्ट्र स्टेट की राजधानी मुंबई मेगा सिटी का एरिया लगभग 603 स्क्वायर किलोमीटर और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का एरिया लगभग 4455 स्क्वायर किलोमीटर है। वैसे एरिया को कंपेयर करने के बाद आपको लग रहा होगा कि दोनों शहरों की जीडीपी भी लगभग सेम ही होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बात करें दुबई शहर की जीडीपी की, तो दुबई की जीडीपी लगभग 110 बिलियन यूएस डॉलर के करीब है। वहीं मुंबई शहर की जीडीपी लगभग 277 बिलियन डॉलर के करीब है। और अब आपके मन में ख्याल आएगा कि दुबई शहर इतना डेवलप होने के बाद भी जीडीपी के मामले में मुंबई शहर से पीछे कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब है पॉपुलेशन। जी हाँ, जहाँ दुबई की पॉपुलेशन सिर्फ 35 लाख के करीब है, जिसमें करीब 40% पॉपुलेशन भारतीय ही हैं, वहीं 2,64,00,000 लोगों के साथ मुंबई भारत का दूसरा सबसे आबादी वाला शहर है। इसी वजह से दुबई और मुंबई शहर के लिविंग स्टैंडर्ड्स में काफ़ी फर्क है, क्योंकि आप खुद ही समझ सकते हैं दुबई में मुंबई के कंपैरिजन में सिर्फ 8% लोग ही रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुंबई शहर में बिलीनियर्स की कमी है, क्योंकि दुबई के 13 बिलीनियर्स के मुकाबले मुंबई में कुल 72 बिलीनियर्स रहते हैं, जिसमें एक नाम मुकेश अंबानी का भी है, जो मुंबई में ही दुनिया के सबसे महंगे घर एंटीलिया में रहते हैं। लेकिन अमीरी में दुबई का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इस शहर में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसके बारे में हम सिर्फ सोच ही पाते हैं, चाहे फिर बात हो दुनिया के इकलौते 7-स्टार होटल बुर्ज अल अरब की, या मैनमेड आइलैंड पाम जमुरा की, या दुबई एक्वेरियम, अंडर वाटर जू, आयन दुबई और म्यूजियम ऑफ फ्यूचर को देखकर लगता है कि हम किसी फ्यूचरिस्टिक सिटी में हैं। वहीं मुंबई भी मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक स्काईस्क्रेपर्स के साथ साथ गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के साथ अपनी पुरानी विरासत को संजोए यूं ही सपनों का शहर नहीं कहा जाता। जहां दुबई 828 मीटर हाइट वाली दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के अलावा 240 स्काईस्क्रेपर्स के साथ दुनिया के टॉप 4 शहरों में शामिल है, तो वहीं 300 मीटर ऊंची पैलेसेस रॉयल के अलावा 200 स्काईस्क्रेपर्स के साथ मुंबई भी इस मामले में ज़्यादा पीछे नहीं है। वहीं बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो दुबई में मेट्रो, बस, कैब्स होने के बावजूद ज़्यादातर लोग पर्सनल कार ही यूज़ करते हैं, क्योंकि दुबई में पेट्रोल और पानी के प्राइस लगभग
सेम है। वहीं मुंबई में पेट्रोल प्राइस और ट्रैफिक के कारण लोग लोकल ट्रेन्स और मेट्रो जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आपको कौन सा शहर ज़्यादा अच्छा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने शहर का वीडियो चैनल पे देखना चाहते चलें अभी पहले अपनी टीम से पूछते हैं। सबसे पहले हादिया से पूछेंगे, हादिया कौन सा मुंबई? मुंबई मेरी जान, मुंबई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई है सपनों का शहर मुंबई। वैसे आपको कौन सा अच्छा लगा? मेरे ख्याल से तो दुबई अच्छा लगेगा। दुबई दुबई मुझे 50% दुबई और 70-80% ये तो 120 से ऊपर हो गया। 100 के अंदर अंदर 50-50 कर लो फिर, परसेंट के बता रहा हूं ना। हां 50-50 रखो ना, नो डाउट कि इसमें कोई शक नहीं है कि दुबई अच्छा। लेकिन आप अगर हम देखें ना, मुंबई इज वन ऑफ द टॉप सिटी इन द वर्ल्ड, और नो डाउट के मुंबई की अगर हम जीडीपी की बात करें तो बहुत बढ़िया है मतलब, और अगर हम पॉपुलेशन पॉपुलेशन तो जितनी बढ़ेगी उतना वो मतलब आपकी ज्यादा होगी। एक चीज है, जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतने मसाइल आपके ज्यादा होंगे। पॉपुलेशन को तो हर कोई कंट्रोल कर रहे हैं, करने की कोशिश है कि पॉपुलेशन को तो कंट्रोल में रहना चाहिए। ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो मतलब उतना ही नुकसान का बायस होती है। बारे में तो वैसे भी सुना हुआ है ना कि दुबई एक अमीर नहीं, दुबई आपको जैसा कि उन्होंने खुद वीडियो में बताया कि दुबई में आपको हर वो चीज मिलती है जिसको आप ख्वाब देखते हैं, ठीक है, वो चीज मिलती है। और मैं दुबई को इसलिए भी प्रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ जा सकता हूँ, इजीली जा सकता हूँ, मुंबई में जाने नहीं देते। ये बात मसला ये है बिल्कुल। बाकी ये है कि मुंबई नो डाउट ब्यूटीफुल, अभी इसमें इन्होंने मुंबई के कुछ व्यूज वो नहीं दिखाए जहाँ पर इन्होंने ना समंदर के ऊपर एक रोड सड़क बनाया हुआ है मुंबई का, क्या कमाल है यार वो एरिया जो है। और मुंबई के अगर आप पूरे व्यूज देखेंगे ना तो आप बिलीव करें कि आप दुबई को भी भूल जाएं, आप कहेंगे यार इतने अच्छे व्यूज हैं इसके, ठीक है। लेकिन एक चीज ये है कि दुबई में आपको हर टाइप के लोग मिलते हैं, मिलते हैं आपको हर कंट्री के, और 40% जैसा उन्होंने बोला कि इंडियन ही दुबई में जो है वो रह रहे हैं, तो ये चीजें भी है। लेकिन ये है कि कंपैरिजन अगर देखा जाए जीडीपी के मामले में तो दुबई जो है वो पीछे है। दुबई का जो एम्बेसडर है वो कौन है? कौन एम्बेसडर है? जैसे ब्रांड एम्बेसडर होता है शाहरुख खान का अपने अपार्टमेंट है बुर्ज खलीफा के अंदर। आप ये देख लें अगर वहाँ पे 12 लोग रिच हैं दुबई में तो यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, अगर हम मिलीनियर बिलीनियर की बात करें तो इंडिया बहुत आगे है, बहुत आगे इंडिया में मिलीनियर। इंडिया देखें दुबई एक छोटा सा आप यूएई का एक पार्ट है, ठीक है, यूएई पूरा उसमें शारजा आता है, ओमान आता है, ये सारे देश। लेकिन उसमें हमने कभी बोला यूएई मुल्क का नाम नहीं लेता, कहाँ जा रहे हो भाई? किधर? दुबई 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 होता है। तो दुबई ने अपनी एक पहचान ऐसी बना ली है कि जो कि एक रिमार्केबल है। और अगर हम मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई पीछे नहीं है, आप अगर आप किसी से भी पूछ लें तो मुंबई जो है एक बहुत ही जबरदस्त सिटी है। बाकी कैसा लगा गाइस, आपका फेवरेट सिटी कौन सा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, रखिए बहुत सारा ख्याल।